क्या करना चाहिए। यदुवंशी बोलते हैं हर हर महादेव, आक्रमण कर देते हैं। उसी समय नारद जी पहुंचते हैं। नारद जी को भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि जरासंध बहुत बलवान था, मायावी भी था। नारद जी का स्वागत करते हैं और नारद जी से भगवान पूछते हैं, हे प्रभु क्या संदेश है। मेरा दाहिना आंख फड़क रहा है, मेरी दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है, अवश्य ही आप कोई उत्तम संदेश लेकर आए हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु जहां आप विराजते हैं वहां सब मंगल ही मंगल होता है, इसीलिए तो सभी ऋषि मुनि सदैव आपसे विनती में करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल you
अद्भुत महिमा है नाथ तुम्हारी, अद्भुत महिमा है नाथ तुम्हारी, अद्भुत महिमा है नाथ तुम्हारी, अद्भुत महिमा नाथ तुम्हारी। वेद पुराण सब गाते हैं, वेद पुराण सब गाते हैं, वेद पुराण सब गाते हैं, वेद पुराण सब गाते हैं। तुमसे है रचना Oh,
बताते हैं इस समय आपके सिरहत पांडव महाराज युधिष्ठिर राज्य यज्ञ करके आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। आपकी भक्ति प्रेम प्राप्त करने के लिए राजस्व यज्ञ करने के लिए संकल्प ले चुके हैं। भगवान ने कहा ये तो बहुत ही शुभ और मंगल संदेश है। भगवान ने उद्धव जी को पूछा, उद्धव क्या करना चाहिए? उद्धव जी ने कहा, प्रभु जरासंध को इस समय भूल करके हस्तिनापुर जा करके राजस्व यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए। उद्धव जी बड़े ही बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा, प्रभु राजस्व यज्ञ के लिए सभी राजाओं पे विजय प्राप्त करना जरूरी होता है और उसी में जरासंध भी आ जाएगा तो एक पंथ दो काम हो जाएंगे। जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए उसी दिन द्वारिका के लिए प्रस्थान कर लेते हैं। जब पांडवों को पता चला भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं, उनके स्वागत के लिए बाजा गाजा लेकर के नगर से बाहर आ जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर का स्वागत करते हैं और राजस्व यज्ञ के लिए मंत्रणा करते हैं। भगवान ने कहा है, भैया युधिष्ठिर इसके लिए तो आपको सभी राजाओं पे विजयी प्राप्त करना पड़ेगा। जितने भी राजा अधिकारी हैं समस्त पृथ्वी और दिशाओं पे विजय प्राप्त कर ले तभी राजा या राजस्व यज्ञ करने के लिए उपयुक्त होता है। इस प्रकार युधिष्ठिर जी भगवान के हाथों को अपने हाथ में लेते हैं और बोलते हैं कि हे कृष्ण जरासंध को जितना आवश्यक है। भगवान ने कहा, भैया मैं चाल चलता हूँ भैया, इसीलिए मेरा नाम है दूसरा कन्हैया। ऐसा करूंगा काम की खर्चा नहीं होगा एक रुपया। भगवान ने कहा, जरासंध बहुत ही ब्राह्मण भक्त है, उसमें 10,000 हाथियों का बल है और अपने भीमसेन भैया में भी 10,000 हाथियों का बल है। भीम बोले, क्या मतलब? बोले, मतलब ये है कि हम लोग, मैं तुम और अर्जुन तीनों वेश बदल के ब्राह्मण बन के जरासंध के पास चलते हैं और युद्ध की भिक्षा मांगते हैं। बोले, मैं और उससे भिक्षा मांगूंगा? आपने सोच कैसे लिया? मैं भीम हूं। भगवान बोले, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि आप भीम हैं। भगवान ने समझाया बुझाया, पहलवान की मोटी बुद्धि तो होती ही है। भीम ने कहा, चलो आप कहते हो तो मैं ये काम कर लूंगा। तीनों वेश बदल करके जरासंध के राज्य सभा में पहुंचते हैं। जरासंध ने ब्राह्मण का वेश देख करके उनका बड़ा ही स्वागत किया। जरासंध ने कहा, विप्रवर कहां से आगमन हुआ है और किस उद्देश्य से आगमन हुआ है?
जरासंध तो महल आते हुए उनके चाल चलन से ही समझ गए थे कि ये ब्राह्मण तो है नहीं। इनके चाल ढाल तो कुछ अजीब ही लग रहा है। फिर भी ब्राह्मण वेश होने के कारण जरासंध ने ब्राह्मण ही कहके पुकारा। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण बोले, जरासंध हम ब्राह्मण तुमसे युद्ध की भिक्षा मांगते हैं। जरासंध बोले, अरे तू तो रहने ही दे, इस बदलने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। छलिया रण छोड़ युद्ध का भूमि छोड़कर भागने वाला तू क्या मेरे से युद्ध करेगा? युद्ध तो वीरों से होती है, ना तो तू वीर है और ना ही तू श्री राधे क्षत्रिय है, क्योंकि मैं युद्ध से भागे हुए व्यक्ति से के साथ युद्ध नहीं करता। पीठ दिखाने वाले व्यक्ति के साथ मैं युद्ध नहीं करता। और ये रहा अर्जुन ब्रहनाला, ये भी मेरे योग्य नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्त्रियों के लक्षण हैं। तक थाई 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 करके नाचता था। हाँ ये भीम है, इसके साथ मैं युद्ध अवश्य करूंगा। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उस समय जरासंध भीम से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और भीम के साथ इनकी द्वंद युद्ध होता है। ऐसे ही दिन भर दोनों युद्ध करते हैं। शाम को साथ में खाते पीते उठते बैठते हैं और सुबह युद्ध के लिए मैदान में चले जाते हैं। इसी प्रकार 27 दिन बीत गया। भीम ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु आपने तो कहा था कि इसका काम तमाम करेंगे, 27 दिन हो गया। भगवान ने कहा, तुम्हें खाने को मिल रहा है भरपेट या नहीं? बोले, वो तो खूब मिल रहा है। लड़ने को मिल रहा है? बोले हाँ, लेकिन इसका काम तमाम कब होगा? भगवान ने कहा, कल जब तुम युद्ध करते रहोगे और इसका मृत्यु का समय आ जाएगा, मैं तुम्हें इशारा करूंगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं मरेगा, इसे भगवान शंकर का वरदान है। अगर इसको कहीं भी टूट फूट हो जाता है वो तो उसका शरीर पुनः जुड़ जाता है। और जब मैं एक तिनका लेकर के ऐसे तिनका चीरूंगा, उसी समय इसके टांग पकड़ करके इसको चीर देना और एक अंग इधर और एक अंग इधर फेंक करके तुरंत ही बीच में शिवलिंग बना देना। ये भगवान शिव का परम भक्त है, शिवलिंग बनने से इसका अंग नहीं जुड़ेगा। इस प्रकार युद्ध हुई और युद्ध में जैसे भगवान ने कहा था वैसे ही किया और भीम ने भी वैसे ही किया। इस प्रकार जरासंध की जय जय हो गई। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान ने जरासंध के जेल से बचे बंदी बनाए हुए 20,000 राजाओं को जेल से मुक्ति करवा दिया। राजस्व यज्ञ की तैयारी हो रही है। शाम की कथा में यज्ञ होगा। आज की कथा के बाद मनोरंजन जाओ।
तुम यहाँ हो भाई? भगवान जी सीधा आ जाए भाई, वो बोल रहा है आप ही बोलो, ये बताइए, शर्म आ रही है उसको। कम तो मनोरंजन तो भैया शर्माओ मत, इतनी बराती आ गई है, सराती आ गई है, गराती आ गई है, और तुम बोल रहे हो कि अब अकेले में ही झुंड में ही शादी करेंगे, तो आओ भाई सामने आओ, चलो चलो भैया ले आओ। मैंने इसको बोला शांति शांति कर लो, वो तो नहीं, मैं सब के बीच में ही कर श्री चलो एक इधर आ जाओ और एक इधर आ जाओ। भैया अंगूठी पहले अंगूठी पहनाई जाती है ना उधर, हाँ ऐसे अरे भाई केशव यही है, उसकी थोड़े बड़े ही शादी बोलते हो केशव का मंत्र, अच्छा मंत्र बुलवाने के लिए। चलो भैया अब अंगूठी निकाल के दो, डब्बा क्यों दे रहे हो, निकाल के दो भैया, थोड़ा सबको दर्शन भी होना चाहिए। इतना भी जल्दी हरी सुहत हरी बोल हरी बोल हरी बोल Oh,
सभी लोग नीचे चले जाएं।